डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन RCI ऑनलाइन पाठशाला। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये है, इफ एच इज द एजेंट बिटवीन पी एंड क्यू, देन एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू इज इक्वल टू, और ऑप्शन है आपके पास टू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, और ऑप्शन डी है आपके पास पी क्यू। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान देना है। जैसे आपको मैंने जब HP पढ़ाया और उसमें भी हार्मोनिक मीन को बताया, तो हमने बोला था AHB RNHP। तो याद करो क्या बताया था, H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा जब हमने थ्योरी पढ़ी उस टाइम इसको कराया है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हल्का सा क्या है, परिवर्तन है, और वो चेंज क्या हुआ है, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, तो इसका मतलब हुआ पी एच क्यू आर इन HP, यही है कि नहीं है। तो देखिए आप, एच इक्वल टू क्या होगा, टू, और यहां पर क्या था AB, और यहां क्या होगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या किया है, प्रोडक्ट कर दिया। और देखिए एक बार दोबारा से देखो इसको, AHBRNHP, तो आपने क्या लिखा, एच इक्वल टू 2AB अपॉन ए प्लस बी। ध्यान से देखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आपने प्रोडक्ट किया है और यहाँ पर आपने क्या किया है, सम कर दिया, एडिशन कर दिया, और वही चीज हमने यहाँ पर की है, टू फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है और ये क्या है, एडिशन है। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन कहता है एच अपॉन पी एच अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, यहां पर आपने H कंप्लीट में से कॉमन लिया, तो 1 अपॉन P 1 अपॉन Q आ गया है। अब ध्यान देना, H का वैल्यू क्या है, 2PQ अपॉन P प्लस Q। देखो यहां से मैंने H का वैल्यू पुट किया है और क्या है, 2PQ अपॉन P प्लस Q, और उसके बाद इसको सोल्व कीजिए, तो यहां के पास क्या बनेगा, QP या PQ एक ही बात है, LCM आ गया आपका, और यहां से क्या होगा फिर, Q प्लस P, LCM लेना आपने 10th क्लास में सीख लिया होगा। तो ध्यान देना, 2PQ अपॉन P प्लस Q, और ये क्या हो रहा है भाई, Q प्लस P या P प्लस Q करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो P प्लस Q अपॉन PQ, तो आपने इससे इसको क्रॉस क्या बोलते हैं, कैंसिल आउट कर दिया, और PQ से PQ को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन A करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि हमने वैल्यू को निकाला है 2PQ अपॉन पी प्लस क्यू। ये वैल्यू हमने यहाँ एच से लिया, उसके बाद देखिए PQ हमारा LCM आया, तो क्यू प्लस पी हुआ है, और क्यू प्लस पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। अब क्या किया, पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू को कैंसिल आउट किया है, और PQ से PQ को कैंसिल आउट किया है। इस प्रकार से हमें जो लास्ट फाइनल रिजल्ट मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मिला है, और ये 2 है वो हमारे ऑप्शन ए को मैच करता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इफ H1 H2 H3 .. HN आर NHMs बिटवीन A एंड B, देन H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A प्लस HN प्लस B अपॉन HN माइनस B इक्वल्स। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके पास A है और ये B है, और इनके बीच में आपने NHMs को लिया है, H1 H2 H3 .. HN, और ये सब किसमें हैं, R in HP। अब देखो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए यहीं से,
लेकिन उसके लिए आपको HN के फॉर्मूला पता होना चाहिए, HN के फॉर्मूले होने पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप इसमें रखोगे और पूरी कैलकुलेशन होगी, तब कहीं जाके फिर इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। और हम इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगे, उसके लिए सीधी ट्रिक्स पर जाओ आप। यहाँ पर बोला है NHMs को आपको A और B के बीच में रखना है, और मैं N को 2 बोल रहा हूँ। तो देखिए, let N equal to 2, तो हमें क्या मिलेगा, A H1 H2 और क्या कर दो, B R N HP। देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो NHMs हैं, आप उनको 2 क्यों बोल रहे हो, भाई आप 3 बोल लो, लेकिन 3 जब आप बोलोगे तो उस टाइम आपको कितने डिजिट चाहिएंगे, 5, और वो आपके पास है नहीं। और आपको पता क्या है कि 3 टर्म्स हो तो 2, 3, 6 किस में होंगे, HP में, और 6, 8, 12 और 24 भी किस में होंगे, HP में होंगे। उसके बाद देखिए आप N का आपके पास फिक्स वैल्यू तो है नहीं, आप N को 5 बोल लो, N को 10 बोल लो, N को 15 बोलो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट हमने एटमोस्ट कितने टर्म्स तक पढ़ा है, HP को 4 टर्म्स तक पढ़ा है, तो हमें 4 टर्म्स करने के लिए आपने H और H2 रखा, और ये दो टर्म तो आपको अपने में अपने से ही मिल गई, क्योंकि कहा है ना बिटवीन A एंड B, तो ये दो तो आपको अपने से लगानी पड़ेगी। और मैंने जो H1 H2 अज्यूम किया है, ये इस ट्रिक को ही फॉलो किया है मैंने, 6, 8, 12, 24 आर इन HP, ये वाले ट्रिक्स को यूज किया है मैंने। अब देखो, A इक्वल टू क्या होगा 6, H1 इक्वल टू क्या होगा 8, H2 इक्वल टू क्या होगा 12, और B इक्वल टू क्या होगा 24, आपने इनको लिखा है। उसके बाद आप सीधा इधर आइए, और क्वेश्चन ने बोला है H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A प्लस, अब देखो आपने R इक्वल टू 2 पुट लेके चले हो, अज्यूम करके चले हो, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 प्लस B अपॉन H2 माइनस B। देखो अपना जो NHMs था, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में N इक्वल टू 2 ले लिया, जिससे इस क्वेश्चन की लेंथ कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट आपके इस क्वेश्चन में बच जाएंगे, जैसे ही आपने ट्रिक्स को इस्तेमाल किया है। और वैल्यू ऑफ H1 क्या है 8, प्लस A का वैल्यू क्या है 6 अपॉन 8 माइनस 6, जस्ट यू विल पुट हियर द वैल्यूज ऑफ H1 एंड A। Now we put another values of H2. H2 equal to 12 और B 24 upon 12 minus 24. अब दोबारा ध्यान दो, A equal to 6, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, और फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल। तो H1, A, H2, B की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद आप देखो 6 प्लस 8 का 14 अपॉन में 2 प्लस, ये क्या हो गया 36 अपॉन में माइनस 12, और ये क्या आ गया बोलो 2 7 14, और ये हो गया माइनस 3, और यहां से आपको क्या मिला 4। अब हमने देखा ऑप्शन में तो 4 किसी में भी नहीं है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए देखो ऑप्शन ए एन, आप एन को क्या लेके चले थे 2, एन का वैल्यू 2 रखो, हमारा क्या आ रहा है 4, ऑप्शन गलत। उसके बाद 2n, 2 इंटू 2 क्या आया 4, यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा फाइनल आंसर है। और सी ऑप्शन देखो n माइनस 1 वो होगा 2 माइनस 1, और ये मिला 1, तो ये भी हमारा गलत हुआ। इसका मतलब केवल और केवल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो क्या आएगा, आंसर होगा तो ऑप्शन बी ही होगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है।